डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 11th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा चैप्टर 3rd फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 लेवल 1st क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए इज द सेट -2, -1, 0, 1, 2 एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड। Be a function defined by f of x is equal to x square minus 2x minus 3. Find range of f, that is f of a, and second part, pre-images of 6, minus 3 and 5. देखिए एक set A दिया हुआ है हमको -2, -1, 0, 1, 2 और function को define करके दिया है set A से set Z के ऊपर। तो set A जो है ये first set जो है ये डोमेन का सेट है जो हमको गिवन है -2, -1, 0, 1, 2 और ये को डोमेन का सेट है जेड इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स आएंगे। इसको डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो हमको क्या करना है कि रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज निकालना है, या दैट इज इसको एफ ऑफ ए बोल सकते हैं। अब रेंज क्या होती है कि इस डोमेन वाले सेट में से हम एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं और उससे कनेक्टेड जो हमारी को डोमेन वाले सेट्स की वैल्यू होगी, जो डोमेन के सेट से जो अपन एक्स की वैल्यू रखेंगे उससे रिलेटेड जो वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो सेकंड सेट जेड में से आएगी, तो वो उसकी इमेज होती जाएगी। तो हम सारी इमेज कैलकुलेट कर लेंगे पहले और उन इमेजेस को एक सेट के अंदर रख देंगे, तो वही रेंज ऑफ एफ हो जाएगा या एफ ऑफ ए हो जाएगा। और फिर फ्री इमेज हमको निकालना है ये एलिमेंट की 6, -3 और 5 की। तो फ्री इमेज क्या होती है कि जैसे अपने पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ऐसा लिखा हुआ फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स है और इधर वाई, एक्स की वैल्यू रखने के बाद वाई की वैल्यू बनती है। तो ये वाई जो है ये इस एक्स की इमेज कहलाती है और इस वाई की प्री इमेज है ये एक्स, एक्स को प्री इमेज, ये प्री इमेज है किसकी, वाई की, y की प्री इमेज x है और x की इमेज y। तो ये दोनों पार्ट हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट, रेंज ऑफ f, दैट इज f ऑफ a, f की रेंज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं ये जो फंक्शन है इसको ले लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये फंक्शन डिफाइन करके दिया है, अब हमको रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डोमेन का सेट है ए, इसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये सारे एलिमेंट है इनसे रिलेटेड हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको एक सेट के अंदर रख देंगे, वो इमेजेस आ जाएगी और वही अपनी इसकी रेंज हो जाएगी। तो पहला एलिमेंट है ए का आपका -2, तो देयरफॉर एफ ऑफ -2, एक्स के प्लेस पे -2 रख दो, तो -2 स्क्वायर -2 -2 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 स्क्वायर +2 स्क्वायर 4, -2 × 4 -3, 4 + 4 8 -3 5। तो ये जो -2 है, -2 की इमेज 5 आ गई, और अगर हम बोले तो 5 की प्री इमेज -2 होगी ऐसा। फिर सेकंड एलिमेंट है -1, एफ ऑफ -1, एक्स के प्लेस पे -1 रख दो इसमें, तो -1 स्क्वायर -2 -1 -3, सॉल्व करो इसको, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 × 2 -3, 3 − 3 0 हो जाएगा। एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स 0 की प्री इमेज -1 हो गई। फिर एफ ऑफ 0, ये थर्ड एलिमेंट, एफ ऑफ 0 एक्स के प्लेस पे 0 रख देंगे, 0 स्क्वायर -2 × 0 -3, तो ये 0 0 और ये -3 बचेगा, तो -3 0 की इमेज आ गई और -3 की जो प्री इमेज है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है 0 के बाद 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर -2 × 1 -3, इसको सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर 1 -2 -3 1 -2 -3 -5 और +1 -5 +1 -4, तो 1 की जो इमेज है वो -4 आ गई और -4 की प्री इमेज 1 हो जाएगी। और एक एलिमेंट और है 2,
एंड एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे टू रख दो तो टू स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स के प्लेस पे टू माइनस थ्री, इसको सॉल्व करेंगे टू टू जा फोर माइनस टू टू जा फोर माइनस थ्री, ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव माइनस थ्री, तो टू की इमेज जो है वो माइनस थ्री आ गई और माइनस थ्री की इमेज थ्री इमेज टू हो जाएगी। अब ये जितनी भी इमेजेस आई है हमारी फाइव जीरो माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस थ्री, इनको एक सेट के अंदर रख देते तो वही हमारी रेंज ऑफ एफ या एफ ऑफ ए हो जाएगा। देयरफोर रेंज ऑफ एफ दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव, फाइव के बाद जीरो, जीरो के बाद माइनस थ्री, माइनस थ्री के बाद माइनस फोर और माइनस फोर के बाद ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक बार लिख चुके हैं सेट के अंदर तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी इमेजेस का सेट आ गया, इसको हम इसकी रेंज बोलते हैं, इसको हम चाहे तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, इसको सीक्वेंस में लिख दो, पहले नेगेटिव क्वांटिटी माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री कॉमा जीरो कॉमा फाइव, ये सारी इमेजेस का सेट आ गया। कोई इमेज अगर रिपीट होके आ रही तो उसको एक ही बार लिखना, तो माइनस फोर माइनस थ्री जीरो फाइव, ये आपकी रेंज ऑफ एफ हो गया या दैट इज एफ ऑफ ए हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है हमारा प्री इमेज ऑफ सिक्स माइनस थ्री एंड फाइव, सेकेंड पार्ट प्री इमेजेस ऑफ सिक्स माइनस थ्री एंड फाइव, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर अपने पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो ये जो एक्स है ये एक्स वाई की प्री इमेज कहलाती है, तो दैट इज एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की प्री इमेज है, एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई। तो ऐसा अपना ये एलिमेंट आए हैं फाइव है तो फाइव की प्री इमेज माइनस टू होगी, जीरो की प्री इमेज माइनस वन होगी, माइनस थ्री की प्री इमेज जीरो होगी, माइनस फोर की प्री इमेज वन होगी, माइनस थ्री की प्री इमेज टू होगी, इस टाइप से। तो आप अलग अलग एलिमेंट की प्री इमेज लिखना हमको, देयरफोर प्री इमेज ऑफ सिक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये फाइव है जीरो है माइनस थ्री है माइनस फोर है माइनस थ्री है, तो सिक्स तो कहीं पे किसी की इमेज आई नहीं, लेकिन सिक्स होगा किसके अंदर, ये जो अपना कोडोमेन वाला सेट है ये इंटीजर का सेट है, तो उसमें इंटीजर में सिक्स तो आएगा, लेकिन वो जो सिक्स है वो किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, वो किसी की भी इमेज नहीं है। फाइव की इमेज माइनस टू है, जीरो की फाइव की प्री इमेज माइनस टू है, या माइनस टू की इमेज फाइव है, माइनस वन की इमेज जीरो है, जीरो की इमेज माइनस थ्री है, माइनस वन की इमेज वन की इमेज माइनस फोर है, टू की इमेज माइनस थ्री, तो जो इमेजेस रहेगी वो जिसकी इमेज है वही वाला एलिमेंट उसकी प्री इमेज होती है। तो आप देखो इसमें सिक्स तो कहीं पे आया नहीं, मतलब सिक्स किसी भी एलिमेंट के डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज सिक्स नहीं है, लेकिन सिक्स आपका कोडोमेन के सेट में है, इंटीजर का सेट है कोडोमेन पूरा का पूरा उसमें सिक्स है, लेकिन वो सिक्स फर्स्ट वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब सिक्स जो है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। जब सिक्स किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है तो सिक्स की कोई प्री इमेज आपकी डोमेन वाले सेट में नहीं होगी, तो प्री इमेज ऑफ सिक्स कोई नहीं होगी, तो उसको अपन फाइव लिख देते हैं, कोई भी उसकी प्री इमेज नहीं होगी, सिक्स एलिमेंट तो है कोडोमेन में लेकिन वो फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो सिक्स की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। उसके बाद प्री इमेज ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू, अब देखो माइनस थ्री, माइनस थ्री किसकी किसकी इमेज है, ये तो फाइव है जीरो, ये माइनस थ्री, ये माइनस थ्री जीरो की इमेज है, तो
माइनस थ्री की प्री इमेज जीरो हो गई, और एक जगह और है ये माइनस थ्री टू की इमेज है, टू की इमेज माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री की एक प्री इमेज टू हो गई और माइनस थ्री की एक प्री इमेज जीरो हो गई। तो प्री इमेज ऑफ माइनस थ्री, दो एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, जीरो और माइनस थ्री की प्री इमेज टू, जीरो और टू। तो माइनस थ्री की जो प्री इमेज है वो दो हो गई, क्या क्या, एक हो गई माइनस थ्री की प्री इमेज जीरो और एक हो गई माइनस थ्री की प्री इमेज टू। दो प्री इमेजेस आ गई किसकी, माइनस थ्री की। अब एक एलिमेंट और है, एंड प्री इमेज ऑफ फाइव, प्री इमेज ऑफ फाइव, प्री इमेज ऑफ फाइव। सो फाइव की प्री इमेज देखो, ये फाइव है, फाइव किसकी इमेज है, माइनस टू की इमेज है, तो फाइव की प्री इमेज क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, और तो है नहीं फाइव, नहीं। तो फाइव की प्री इमेज ऑफ फाइव इज इक्वल टू माइनस टू। बस इस टाइप से आपको प्री इमेज लिखना है, जितने एलिमेंट की पूछा उसके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो फाइंड एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ टू। देखिए एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करके दिया है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, तो हमको एफ ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ टू, ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमको ये देखना है कि ये वन एक्स इज इक्वल टू किसके अंदर आता है, लेस देन जीरो में आता, इक्वल टू जीरो में आता, ग्रेटर देन जीरो में आता, जिसमें आएगा उसी के सामने वाला फंक्शन ले लेंगे और उसमें एक्स के प्लेस में वन रख देंगे। ऐसे ही माइनस एफ ऑफ माइनस वन के लिए, जीरो के लिए और एफ ऑफ टू के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, अब देखो एक्स इज लेस देन जीरो में तो वन नहीं आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो में भी वन नहीं आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में आएगा आपका वन, जीरो से बड़ा होता है वन, तो इसके सामने वाला जो फंक्शन है फोर एक्स प्लस वन उसको ले लो, फोर एक्स प्लस वन। अब हमने इस साइड में एक्स के प्लेस पे वन रख दी, तो इधर भी आप एक्स के प्लेस पे वन रख दो, तो फोर इंटू वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, फोर वन जा फोर प्लस वन विच इज इक्वल टू फाइव, तो ये आपके एफ ऑफ वन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऐसे ही एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, एफ ऑफ माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ पे आता है, एक्स इज लेस देन जीरो, माइनस वन जो है वो जीरो से छोटा है, तो इसी के सामने वाला फंक्शन ले लेंगे थ्री एक्स माइनस टू, सो थ्री एक्स माइनस टू। अब हमने इस साइड एक्स की वैल्यू माइनस वन रख दी, तो इधर भी एक्स के प्लेस से माइनस वन रख दो, तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू थ्री वन जा माइनस थ्री एंड माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू आ गई माइनस वन। फिर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो ये दिया, इसके सामने वाला फंक्शन वन है, तो डायरेक्टली इसकी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन आ गई। एंड एक और है एफ ऑफ टू, एंड एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, देखो एक्स इज इक्वल टू टू कहाँ आता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, टू जो है वो जीरो से बड़ा है, तो इसी के आ जाएगा आपका टू, तो इसके सामने वाला फंक्शन ले लेंगे फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स प्लस वन, एक्स के प्लेस पे हमने इस साइड टू रख दिए, तो इधर भी टू रख दो, फोर इंटू टू प्लस वन, फोर टू जा एट प्लस वन, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन। सो ऐसे आपको इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिटरमाइन रेंज ऑफ एफ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक फंक्शन हमको डिफाइन करके दिया है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, उसकी डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ऐसा ये फंक्शन हमको डिफाइन करके दिया। अब हमको रेंज ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट पार्ट है
रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, देखिए रेंज क्या होता है कि जो अपना फर्स्ट सेट रहता है ये डोमेन का सेट है, डोमेन के सेट से अपन एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं और एक्स की हर एक वैल्यू के लिए आपको इमेजेस मिलती जाएगी और जितनी भी इमेजेस हमको मिलती है उन इमेजेस को एक सेट के अंदर रख देते हैं तो वही उसकी रेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर डोमेन में रियल नंबर है तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर में एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखे, जैसे हमने एक्स के प्लेस पे 0 रख दी तो ये 0 स्क्वेयर 0 हो जाएगा, हमने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रख दी 1 रख दी तो 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव है, और अगर अपन रियल नंबर में कोई नेगेटिव क्वांटिटी रख दे -1 रख दे एक्स के प्लेस पर तो -1 का स्क्वेयर करेंगे तो भी वो +1 हो जाएगा, आप -5 रखेंगे एक्स के प्लेस पर उसका स्क्वेयर करेंगे तो +25 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आप एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और 0 रखेंगे तो 0 आएगी, तो इसका जो रेंज का सेट होगा उसमें या तो 0 आएगा या फिर कोई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या 0 आएगा, उसके अलावा नेगेटिव रियल नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि स्क्वेयर करने से नेगेटिव क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी रेंज को हम क्या लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इसकी रेंज का सेट होगा। क्या होगा इसमें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जितने भी रियल नंबर हो सब आ जाएंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेकिन वो रियल नंबर कैसे रहेंगे, या तो 0 के इक्वल रहेंगे या 0 से ग्रेटर रहेंगे, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहां पर एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये ऑल एक्स का सेट निकालना है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे रख देते हैं हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो एक्स इज इक्वल टू +-2, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई अपने पास में, एक +2 आ गई और एक -2 आ गई, और हमको ये जो सेट चाहिए वो एक्स का सेट चाहिए और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 को, तो मैंने एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लिया, जो तो डेफिनेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाला तो इसी एक्स की दोनों वैल्यू का सेट बना दो, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट आ जाएगा -2, 2, नेगेटिव वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई -2, 2, ये एक एक्स का सेट, इसमें एक्स की दो वैल्यूज आ रही -2 और 2 जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई कर रही है। पार्ट थर्ड, इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू -1, देखिए हमको वाई वैल्यूज का सेट चाहिए जिसमें एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू -1 है, तो अपने पास में एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसमें हम एक्स के प्लेस पे वाई रख दे तो ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा, आप इधर वाई रखेंगे तो आपको इधर भी वाई रखना पड़ेगा वाई स्क्वायर, तो हम एफ ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ वाई को मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू -1, तो एफ ऑफ वाई हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब दोनों साइड के यदि आप स्क्वेयर रूट लेते हैं तो y इज इक्वल टू +-√-1, देखिए अंडर रूट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई जो नॉट रियल वैल्यू है या इसको इमेजनरी वैल्यू बोलते हैं, तो बोलते हैं इमेजनरी, इमेजनरी और नॉट रियल भी बोल सकते हैं आप, अंडर रूट के साइन के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, अभी एक चैप्टर आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला उसमें ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी, या फिर इसको नॉट रियल बोल सकते हैं, या देखो आप यहीं पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वाई की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसका स्क्वेयर करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, स्क्वेयर करने पर क्वांटिटी नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी तो -1 आ ही नहीं सकता वाई स्क्वेयर करने पर, तो वाई प्लस इज इक्वल टू +-√-1 या इमेजिनरी या नॉट रियल,
मतलब यहाँ से अपनी y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, जब कोई भी वैल्यू नहीं मिलती तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन फाइव बोल देते हैं। तो देयरफॉर इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल y सच दैट एफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, फाइव बोले तो नल सेट, y के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये नल सेट हो जाएगा। इस टाइप से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर प्लस टू आर, ये ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर्स तक के डिफाइंड है, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, बेस ई दिया हुआ है और ये एक्स है। डिटरमाइन द इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, एफ की जो डोमेन है उसका इमेज सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एंड वेदर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होल्ड्स। होल्ड्स मतलब क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो डिफाइन करके दिया हमको, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर प्लस टू आर, इसके डोमेन का सेट जो है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स का है और को डोमेन का सेट जो है वो रियल नंबर्स का है। मतलब डोमेन में केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे और को डोमेन में रियल नंबर, सारे रियल नंबर जितने भी आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब। सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, लॉग एक्स टू बेस ई पढ़ते हैं इसको, लॉग एक्स टू द बेस ई, या शॉर्ट में इसको लॉग ई, बेस पहले पढ़ दिया उसके बाद एक्स, ये लॉग ई एक्स ऐसा डिफाइन करके दिया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, द इमेज सेट, द इमेज सेट ऑफ द डोमेन, ऑफ द डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब देखिए इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, एफ की जो डोमेन है उसकी इमेज का क्या सेट होगा, तो डोमेन क्या है, ये पूरा का पूरा आर प्लस है। आर प्लस मतलब केवल आपको पॉजिटिव रियल नंबर इसके अंदर रखना है। तो एक्स के प्लेस पे पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे, जैसे आपने वन रख दी एक्स के प्लेस पे, पॉजिटिव है और रियल है, तो ये लॉग ही वन हो जाएगा। लॉग ही वन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। आपने टू रखे एक्स के प्लेस पे, लॉग ही टू, लॉग ही थ्री, ऐसा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन जैसे आपने एक्स के प्लेस पे वन अपॉइंट टू रख दिए, ठीक है, वन अपॉइंट टू आपने रख दिए, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, सेंस लॉग ई वन अपॉइंट टू, हमने एक्स के प्लेस पे अगर वन अपॉइंट टू रख दिया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया हमने लॉग एम अपॉन एन वाला, तो ये लॉग ई वन माइनस लॉग ई टू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब लॉग ई वन की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो माइनस, अब लॉग ई टू, लॉग ई टू की वैल्यू होती है 0.6931 और कुछ आएगी आगे, ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है। और ये लॉग की वैल्यू अलग अलग बेस के ऊपर अलग अलग होती है, ई अगर बेस रहेगा तो वैल्यू 6931 होगी, और कभी बेस अपन 10 ले लेते हैं यहाँ पर तो फिर 0.3010 कुछ आती है, लॉग टेबल से उसको देखा जा सकता है। तो ऐसी वैल्यू है। अब जब इस वैल्यू को अपन जीरो में से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस जीरो पॉइंट, ये आएगा हमारा माइनस 0.6931। तो ये जो माइनस 0.6931 आया ये भी एक रियल नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, ये रियल नंबर है। तो ये कैसा रियल नंबर आ रहा है, ये नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है ना। और अगर अपन लॉग ई वन अपॉइंट टू अगर अपन ने रखे तो ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही, अगर अपन x की वैल्यू 1 रख लेते तो log ई 1 केवल 0 मिलता, और कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे log 1, log 2, log 5 कोई तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब x की आप कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू अगर रख रहे हैं तो log ई x से हमको वैल्यू 0 भी मिल सकती है, हमको वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकती है और हमको वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकती है। मतलब ये जो इसका जो इमेज का जो सेट होगा वो सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो
इमेज द इमेज सेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर, रियल नंबर का सेट आ जाएगा। अब ये रियल नंबर में इसमें पॉजिटिव रियल भी होंगे और नेगेटिव रियल भी होंगे, ठीक है। पार्ट सेकेंड इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। हमको एक्स वैल्यूज का सेट लिखना है कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है हमको, लॉग ही एक्स है, तो वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखा मैंने लॉग पी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब एक प्रॉपर्टी होती है और सेंस लॉग बेस में ई और ये एम है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, और इज इक्वल टू एन। कभी ऐसा हो बेस में ई है और ये एम है और ये एन है, तो क्या होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बेस में यहां पर ई है तो बेस चेंज नहीं होगा, बेस ई रहेगा, और इधर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको ई की पावर में कर देते हैं ई रस टू एन, और ये जो आपकी यहां पर एम लिखा हुआ था इसको आपको इधर सेपरेट कर देना है। तो ये आ गया आपका ई रस टू द पावर एन इज इक्वल टू एम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। आप इसका वापस से लॉग ले लेंगे इसका, तो वापस आपको ये मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है लॉग ई एम इज इक्वल टू एन, अगर हो तो ई बेस था तो बेस में रहेगा, इधर जो क्वांटिटी रहती है उसको पावर में लिख देते और यहाँ की क्वांटिटी को इस साइड कर देते, तो ई रेस टू एन इज इक्वल टू एम हो जाएगा। तो वही यही वाला रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ देखो बेस में आपका ई है तो बेस में ई रहेगा, इधर आपका माइनस टू है तो इस माइनस टू को ई की पावर में लिख दो, ये माइनस टू, और इज इक्वल टू यहाँ पर आपका एक्स है तो एक्स को इधर कर दो, तो e रेस टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ गई e रेस टू माइनस टू। तो अब इस सेट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इस सेट में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू, एक सेट मिल जाएगा हमको e रेस टू द पावर माइनस टू का, बस यही इसका आंसर हो गया कि एक सेट मिलेगा ई रेस टू द पावर माइनस टू। पार्ट थर्ड, वेदर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होल्ड्स, होल्ड्स मतलब ये ट्रू है या नहीं, तो मैं लिख लेता हूं इसको, वेदर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होल्ड्स, होल्ड से मतलब यहाँ पर ट्रू है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है उसी का यूज करता हूँ मैं, क्या डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको गिवन है लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई है तो एक्स के प्लेस पे एक्स वाई रख दो, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर भी आप एक्स के प्लेस पे एक्स वाई रख देंगे तो लॉग ई एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग ई एम इंटू एन, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई वाई, ऐसा हो गया लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। अब देखो इस लॉग ई एक्स को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और इस लॉग ई वाई को हम एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये f ऑफ x हो गया और ये log ई y को f ऑफ y, देखो ये ट्रू प्रूव हो गया इससे, f ऑफ x को एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा यस यस इट इज ट्रू, यस f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई होल्ड्स, होल्ड्स आर इसको ट्रू बोल सकते हैं आप, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर एट, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शंस। देखिए नीचे कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, इन रिलेशंस को हमको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है और बाद में ये बताना है कि फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन, इसमें से कौन से रिलेशन फंक्शन है। आपको पता है कि हर एक फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है, मगर हर एक रिलेशन एक फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो जो अपने रिलेशन आएंगे हमको चेक करना है कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो एक रिलेशन फंक्शन कब होता है,
जब जो अपना फर्स्ट सेट रहेगा उस फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए, और सेकंड सेट के अंदर फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए, तब वो एक फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो पार्ट फर्स्ट, एक्स कॉमा वाई रिलेशन गिवन है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x, एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, 3 एंड वाई बिलोंग्स टू 3, 6, 9, 12। तो पहले हम इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर इज द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ से रखते जाओ, वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 रख दे अपन इसमें, तो 3 बन जा 3, वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से रहेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से रहेगा। उसके बाद अगर अपन एक्स की वैल्यू को यहाँ से 2 रख दे, तो 2, 3 जा 6 हो जाएगी वाई की वैल्यू, और 6 आपका इसके अंदर लाइए। तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2, 6। अब अगर अपन x की वैल्यू को 3 रख दें यहाँ से, तो 3, 3 जा 9, 9 आपका इसमें y से बिलोंग कर रहा है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 3, 9। बस ये तीन ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्योंकि तो x की वैल्यू हमको फर्स्ट सेट से रखना है, x की वैल्यू 1, 2, 3 से रखेंगे और y की वैल्यू 3, 6, 9, 12 में से मिलेगी। तो ये तीन ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब एक रिलेशन आ गया अपने पास। अब इस रिलेशन को आप नोटिस करो कि 1 की इमेज 3 आई, 2 की इमेज 6 आई और 3 की इमेज 9 आई। मतलब फर्स्ट वाला जो सेट है 1, 2, 3, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, तीनों एलिमेंट यूज हो गया फर्स्ट सेट के। और सेकेंड सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है। देखो, 1 की इमेज 3 है, 1 की एक ही इमेज है, और 2 की भी एक ही इमेज है, सिंगल इमेज या यूनिक इमेज बोलते हैं उसको, और 3 की भी एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, और फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सेकेंड सेट के अंदर सिंगल इमेज है, तो ये एक फंक्शन होगा। तो इसको लिख देते हैं हम क्लियरली, क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, 3 has unique or single image बोल सकते हैं, single image in y belongs to 3, 6, 9, 12। y के अंदर इसकी single image है, therefore this relation is a function. Therefore, this relation is a function. तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। पार्ट सेकेंड, रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू 1, 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2, 4, 6। तो इस रिलेशन को हम पहले ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर इज द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। देखिए, एक्स की वैल्यू हम 1 और 2 रख सकते हैं। तो पहले एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखा, तो 1 प्लस 1, 2। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही, वाई इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो अब ये वाई की वैल्यू 2, 4, 6 में है, तो इसमें वाई की वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 से ग्रेटर कौन कौन सी वैल्यू होगी, 4 और 6 होगी। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 ले ले, तो y की वैल्यू 2 से ग्रेटर एक तो 4 आ जाएगी, तो 1, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और ये जो 6 है ये भी आपकी 2 से ग्रेटर है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 6 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू 4 और 6 लेना पड़ेगा, जो x प्लस 1 से ग्रेटर है। x प्लस 1 2 हो गया, 2 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 4 और 6 है, तो 1, 4 और 1, 6 आ गया। अब ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू को अगर 2 ले ले, ये वाला 2 ले ले, 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा, तो y इज ग्रेटर देन 3, y की वैल्यू 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो y की वैल्यू 3 से ग्रेटर कौन कौन सी होगी, ये 4 आपका 3 से ग्रेटर हो जाएगा और 6 भी आपका 3 से ग्रेटर हो जाएगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2, 4 और एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 3 से बड़ी 6, तो 2, 6। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर आ गए आपके 1, 2, 3, 4। अब इसको क्लियरली नोटिस करो कि जो फर्स्ट सेट था आपका x की, तो दोनों वैल्यू यूज हो गई 1 और 2,
दोनों वैल्यू यूज हो गई, लेकिन सेकेंड सेट के अंदर वन की और टू की सिंगल इमेज आना चाहिए फंक्शन होने के लिए। तो वन की एक इमेज फोर आ रही है और वन की एक इमेज सिक्स आ रही, यहाँ पे टू की इमेज फोर भी आ रही है और टू की इमेज सिक्स भी आ रही। ये अपने फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। फंक्शन की डेफिनेशन में हमको क्या चाहिए कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए और सेकेंड सेट के अंदर फोर डोमेन वाले सेट में उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर इमेज जो है वो सिंगल नहीं है, वन की इमेज फोर भी आ रही है और सिक्स भी आ रही है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको लिखते हैं हम क्लियरली, क्लियरली एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वन एंड टू डू नॉट हैव सिंगल इमेजेस। देखिए क्लियरली हम देख सकते हैं कि एलिमेंट वन और टू की जो है वो सिंगल इमेजेस नहीं है, उनकी दो दो इमेज आ रही, वन की भी दो इमेज आ रही फोर और सिक्स, और टू की भी दो इमेज आ रही फोर और सिक्स। हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए। देयर फोर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं है। पार्ट थर्ड इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री। देखिए ये एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है, पहले हमको इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसी रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आर इज द रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री है, तो वाई को ही रहने देता हूं मैं, एक्स को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, थ्री माइनस एक्स, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जीरो वन टू और ये थ्री। ये ऐसा मैंने इसको लिख लिया। अब एक्स की वैल्यू भी आप किसी साइड से रखना और वाई की वैल्यू भी इसी साइड से मिलेगी, तो रखते जाते हैं वैल्यू, तो आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम एक्स की वैल्यू को जीरो रख दें यहाँ पर, तो y की वैल्यू थ्री आ जाएगी, थ्री आपकी इसी सेट से बिलोंग कर रही है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया जीरो कॉमा थ्री। उसके बाद x की वैल्यू को अगर अपन वन रख दें तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, टू भी आपका इस सेट के अंदर y की वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो एक हो जाएगा वन कॉमा टू। अब x की वैल्यू को अगर अपन टू रख दें तो थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू को टू रखे तो वाई की वैल्यू वन आ जाएगी, वन भी आपका इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद एक्स की वैल्यू को अगर अपन थ्री रख दें तो थ्री माइनस थ्री जीरो, वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो थ्री कॉमा जीरो और जीरो भी आपका वाई से बिलोंग कर रहा है। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर। क्या क्या आ गए, ये आ गए जीरो कॉमा थ्री, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन और थ्री कॉमा जीरो। अब ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है इसके लिए देखो, जीरो वन टू थ्री फर्स्ट जो सेट है आपका एक्स का, जीरो वन टू थ्री हर एक एलिमेंट यूज हो गया। अब सेकेंड सेट वाई के अंदर इसका इसकी एक सिंगल इमेज होना चाहिए हर एक एलिमेंट की। तो देखो जीरो की एक इमेज थ्री है सिंगल इमेज है, वन की इमेज टू है ये भी सिंगल इमेज है, टू की इमेज वन है ये भी सिंगल इमेज है, थ्री की इमेज जीरो है ये भी सिंगल इमेज है। हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो सिंगल है, तो फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया और सेकंड सेट के अंदर या टू डोमेन वाले सेट में हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही, दैट इज व्हाई इट इज अ फंक्शन। तो देखते हैं हम इसको क्लियरली, क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री हैज सिंगल इमेज, सिंगल इमेज इन वाई बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री। एक्स की वाई के अंदर सिंगल इमेज है, देयर फोर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया और सेकंड सेट के अंदर
उसकी सिंगल इमेज आ रही, देख सकते हैं आप सिंगल इमेज है, जीरो की इमेज थ्री है, वन की इमेज टू है, टू की इमेज वन है, थ्री की इमेज जीरो है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।